ये लीकेज कर रहा है, यहाँ से लीकेज कर रहा है। ये वाल बंद है, चालू करते हैं तो और बंद करते हैं तो ऐसा ही लीकेज कर रहा है। इस लीकेज को हम सही करेंगे और आपको दिखाएंगे। जो कि अभी हमारा काउंटर नहीं बना है तो इसका वाशबेसन नहीं रखा गया है। इसका काउंटर बन जाएगा तो वाशबेसन रख दिया जाएगा। पहले ही इसकी ये समस्या आ रही है। ये हमने इसका हैंडल निकाल लिया, इसके नीचे नट होता है जो कि हमने पहले से ही खोल रखा था, इसे भी हमने खोल रखा है। इसकी प्लेट निकालेंगे, इसका ये वाला जो स्टील का पार्ट है इस पार्ट को हम गोल गोल घुमाएंगे तो इसका ये पूरा ये खुल जाएगा। ये इसका खुल गया, ये इसका है कार्ट्रिज। इसके अंदर दो रबड़ लग रही है, ये रबड़ सही नहीं है, ये रबड़ सही नहीं है, इस रबड़ को हम चेंज करेंगे और ये पूरा काम बढ़िया हो जाएगा। फाइनली हमने इसका रबड़ चेंज कर लिया है, जो कि पहले ब्लैक कलर का रबड़ था, अभी ये ब्लू कलर का रबड़ हमने लगा दिया है। तो चलिए इसको लगाते हैं और पानी को चेक करते हैं बंद हुआ है कि नहीं हुआ है। ये दो होल है यहाँ पे, इस दोनों होल को इसके अंदर सेंटर मिला लेना है। तो फाइनली ये हमारा फुल टाइट हो गया है, इसे फुल टाइट कर लेना है। फाइनली ये फुल टाइट हो गया है, इसके बाद हम लोग लगाएंगे अपना फ्लांच। ये हमारा फ्लांच लग गया, ये हमारा लग गया हैंडल, टंकी का वाल खोल देता हूँ। ऊपर छत पे बहुत तगड़ी बारिश आ रही है और मैं बारिश में ही वाल खोलने आया। कोई बात नहीं, वाल तो खुल गया, चलिए नीचे चलता हूँ मैं और दिखाता हूँ। फाइनली इसका हम लोगों ने पूरा अपर पार्ट वगैरह सब कुछ लगा के इसको रेडी कर दिया है, टाइट भी कर दिया है और इसकी अब लीकेज बंद हो चुकी है, जो कि इस प्रकार से एकदम काम कर रहा है। इधर ये गर्म का पानी काम करेगा और इधर ठंडे का पानी काम करेगा।